for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. जून सभी मूवी बफ्स के लिए डबल धमाकेदार महीना है। पहले तो सलमान खान की ईद रिलीज रेस 3 ने सभी को एंटरटेन किया और अब फैन संजय दत्त की बायोपिक संजू देखने के लिए काफी ईगर है, जहां रणबीर कपूर लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। पर अब जो रेस 3 रिलीज हो चुकी है तो इससे संजू के सर पर 3 बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। चलिए इन पर नजर डालते हैं। राजकुमार हिरानी है तो एक टैलेंटेड डायरेक्टर और संजू एक मच एंटिसिपेटेड फिल्म है, फिर भी रेस 3 तो यूजली सक्सेसफुल रेस फ्रेंचाइज का हिस्सा है और ऑफ कोर्स इस फिल्म में सलमान खान मेन लीड में है। तो अब रेस 3 की बम्पर ओपनिंग के बाद क्या संजू भी इस ऑरा को मेंटेन कर पाएगी? अब बात करते हैं फिल्म के कमर्शियल्स की। मिक्स्ड रिव्यूज के चलते भी रेस 3 इन 3 दिन के अंदर ही 100 करोड़ लीग में कदम रख चुकी है और वो भी एक बड़े मार्जिन से। और अब संजू को इस फ्रंट पर भी टफ कंपटीशन झेलना पड़ेगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या संजू भी इतनी ही तेजी से 100 करोड़ क्लब में कदम रख पाएगी कि नहीं। फिर बात करते हैं दोनों फिल्म्स के मेन लीड्स के करियर ग्राफ की। सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी किट्टी में अब तक 1300 करोड़ फिल्म्स हैं, वहीं रणबीर के करियर ग्राफ में हिट से ज्यादा फ्लॉप्स हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म जग्गा जासूस भी एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही और अब संजू रणबीर के करियर का गेम चेंजर होगी। ऐसे में इन दोनों स्टार्स के बीच कंपैरिजन तो होंगे ही और अब सलमान की पॉपुलैरिटी से फिल्म संजू को करना पड़ेगा एक और खतरे का सामना। वेल, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स को देखकर भी अगर रणबीर के एफर्ट्स और इस फिल्म की कहानी को कंसिडर किया जाए तो हमें यकीन है कि फिल्म संजू यकीनन सभी का दिल जीत लेगी, है ना?